अब देखो अपने आगे वाला सवाल दे रखा है, एक बेलन का आयतन कितना है? 30 पाई है बेलन का आयतन, 30 पाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। तो बेलन की ऊंचाई बतानी है, केवल अपने को ऊंचाई बतानी है, केवल क्या बतानी है? ऊंचाई। क्या बतानी है? ऊंचाई, ठीक है ना। अब ध्यान रखो कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, कौन सा बेलन का, सॉरी आयतन, क्या होता है? आयतन। बेलन का, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है अपना? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये, इसको देखो गौर से, पाई आर स्क्वायर किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका है? और बेलन के जो नीचे ये तला जो होता है, ये वर्ताकार होता है। क्या होता है? तो इसका मतलब पेंदे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई गुणा क्या हो गया इसका, मतलब आयतन का सूत्र क्या हो गया? पेंदे का क्षेत्रफल गुणा, पेंदे का क्षेत्रफल क्या है? वर्त का क्षेत्रफल। किसका? वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। पेंदे का क्षेत्रफल क्या है? वर्त का, यानी आधार क्या होता है बेलन का? वर्ताकार होता है। किसका होता है? मैं सूत्र लिख दूं यहां, एक तो आयतन का सूत्र यह है, दूसरा सूत्र क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन बराबर। अब आपके पास क्या क्या है? आधार का क्षेत्रफल आपके पास है, आधार का क्षेत्रफल आपके पास है कितना है? 6 पाई, 6 पाई है। ऊंचाई लिख दो नहीं है, और आयतन आपके पास 30 पाई है कि नहीं है? ऊंचाई यही रह जाएगी, ऊंचाई बराबर 30 पाई बटा 6 पाई, पाई से पाई, 6 × 5 = 30। ऊंचाई कितनी आ गई? 5। ऊंचाई क्या आ गई? 5 सेमी। क्या आ गई? ये आयतन 30 पाई घन सेमी था, ये आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेमी था, ठीक है। आयतन घन में और ये वर्ग में, ठीक है।